एक कहावत आमतौर पर प्रसिद्ध है कि हर झगड़े की जड़ जर जोरू और जमीन होती है। ऐसा ही एक मामला यूपी में सामने आया है। दरअसल खबर का ताल्लुक चंदौली से है, जहां 23 अप्रैल को NH2 पर अभिषेक द्विवेदी निवासी मोहनिया कैमूर का शव एक कार के अंदर मिला था। पुलिस इस पहेली को लगातार सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन कामयाबी कहीं मिलती नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में जब पुलिस ने सबूतों को तलाशना शुरू किया तो सामने आया कि अभिषेक के भाई राहुल ने ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। हत्या का कारण था अपने ही भाई से जमीन हड़पना। दिनांक 23/4/2021 को थाना अली नगर के अंतर्गत पचपड़वा के पास हाईवे पर एक कार में एक डेड बॉडी मिली हुई थी। बाद में इसकी पहचान अभिषेक त्रिवेदी के रूप में हुई, जो मोहनिया बिहार का रहने वाला था और वर्तमान समय में वाराणसी में रह रहा था। इस केस के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक अली नगर और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। इन दोनों टीमों ने कार्य करते हुए आज इस घटना का अनावरण किया। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में यह है कि मृतक के सौतेले भाई आलोक त्रिवेदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनकी हत्या की थी। हत्या के पीछे की रंजिश यह है कि आलोक त्रिवेदी और अभिषेक त्रिवेदी दोनों एक ही पिता के हैं और दोनों की मां अलग अलग हैं। वो आधे का हिस्सेदार था, वो आधा हिस्सा देना नहीं चाहता था आलोक त्रिवेदी, और अभिषेक त्रिवेदी अपना हिस्सा चाह रहे थे। इसीलिए इन लोगों ने वाराणसी से ले जा कर के मोहनिया मुठानी में इनकी हत्या कर दी और फिर डेड बॉडी को कार में रख कर के आलोक त्रिवेदी, मोहन तिवेरी, मुकेश शर्मा और मनीष शर्मा ये लोग आकर के अली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचपड़वा के पास हाईवे पर कार के अंदर डेड बॉडी रख दिए और तमंचा भी रख करके चले गए थे। इन चारों में से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक का सौतेला भाई राहुल अभिषेक की हिस्से की जायदाद नहीं देना चाहता था, जिसके कारण अभिषेक घर छोड़कर वाराणसी रहता था। घटना को अंजाम राहुल ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मोहनिया में दिया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक की हत्या मोहनिया कैमूर में करने के बाद अलीनगर थाना अंतर्गत पचफेड़वा गांव के पास मारुति स्विफ्ट में शव और तमंचा रख भाग निकले, जिसके बाद सर्विलांस टीम और अलीनगर तफ्तीश के बाद तथ्यों की जानकारी जुटाकर घटना का अनावरण करने में सफल रही और तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। चंदौली से अमित कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया।